हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही चटपटी मज़ेदार रेसिपी। आज मैं बना के दिखाऊंगी आम की खट्टी मीठी लौंजी कैसे बनाते हैं, जिसे कि आप लंबे समय तक खा सकते हैं। आम की लौंजी रहे घर में पड़ा हुआ तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि आपके घर में सब्जी है या नहीं है। इसके साथ ही आप भरपेट खाना खा सकते हैं, इतना ये टेस्टी और मसालेदार बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आम को मैं अच्छे से पहले धो ली हूँ एक बार। इसमें आम जो ताज़ा रहता है ना, तो उसमें दूध सा लगा होता है, चिपचिपा सा, तो उसे अच्छे से पहले धो के साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद इसका छिलका हटा लेती हूँ। एक आम का छिलका हटा कर इसे कट करके मैं दिखाऊंगी। उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि इसी तरह से सारे आम को कट करके तैयार करना है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। वीडियो छोटा सा है, वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा। तो आप भी बना के इसे ज़रूर रख लें, लंबे समय तक ये ख़राब नहीं होता है। तो छिलने के बाद इस तरीके से इसे टुकड़ा टुकड़ा सा कर लेना। बहुत ज़्यादा पतला पतला टुकड़ा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखना है। और इसके नीचे हो चुका है गुठली, तो कट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो हाथ बचा के आप आराम से आम को कट कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आम को कट करके ले ली हूँ। और इस आम के लौंजी में डालना होगा कुछ मसाला। बहुत कोई तड़का में ही मसाला डाल देते हैं, लेकिन नहीं, इस तरीके से आप बनाएं जिस तरीके से मैं बताती हूँ, तो इसका टेस्ट कुछ अलग होगा और बहुत ही चटपटा सा बनता है। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ 1 चम्मच धनिया, खड़ा वाला धनिया, 2 मिर्ची, 1/2 चम्मच सौंफ, मेथी दाना, और 1 चम्मच ली हूँ सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटी वाली इलायची, हरी इलायची। तो जितना हमारा आम है आप देख पा रहे हैं, इसके अनुसार से इतना मसाला मैं ली हूँ, तो सही जाएगा। आप ज़्यादा बनाएंगे मसाला यही सब पड़ेगा जो कि मैं आपको दिखाई हूँ। मसाला आप ज़्यादा करके ले लीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे, मसाला जो मैं डाली हूँ, यदि ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा करके ले लीजिएगा। तो मसाला को पहले मैं भून लेती हूँ, खुशबू आने तक भूनना है, मसाला को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं मसाले को भून के और इसे ठंडा करके इसका पाउडर बना लूँगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अभी है आम का सीज़न, तो वो लोग भी बनाना चाहें तो बना के रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल प्रेस कीजिएगा, ऑल पर भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको देखना पसंद है, हमारे वीडियो का इंतज़ार रहता है आपको, तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। मसाला हमारा ठंडा हो रहा है, अभी यहाँ पर डाल ली हूँ एक बर्तन चूल्हे पर। इसमें डाल दी हूँ 1 ग्लास के करीब पानी और 1 तेज़पत्ता इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर, जिससे कि आम में थोड़ा सा कलर आ जाए। और पानी को अच्छे से उबलने दूंगी। जब पानी अच्छा सा उबल जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी आम को। तो चलिए फ्रेंड्स, पानी को उबाल लेती हूँ। पानी में ढक्कन लगा दीजिए, जल्दी से ये पानी उबल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पानी उबलने के कगार पर है। तो अब पानी उबल चुका है हमारा, अभी इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें डाल दूंगी सारे आम के टुकड़े को, जो कि अभी कट करके और दिखाई थी आपको। और आम को अच्छे से इसमें पकने तक उबालना है। आम जब आप इस तरह से बॉईल कर रहे हैं तो एक आम का टुकड़ा को आप चेक कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा लगे, इतना देर तक आपको पकाना है। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा आम उबल रहा है तब तक मैं मसाला को पीस के कूट के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, आम हमारा अच्छे से पक चुका है। इसे चेक करना, इस तरह से आप दबा के देख लें किसी भी चम्मच से। देखिए इस तरह से दब रहा है फ्रेंड्स, तो ये आम पक चुका है। पका के पूरा गलाना नहीं है। तो अभी क्या करूँगी, इसे पानी से निकाल लूँगी। तो पहले हटा देती हूँ उसमें से तेज़पत्ता। इससे क्या होता है, आम में अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और मसाले के साथ तो तेज़पत्ता कूट के नहीं डाला जाता है, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं पानी में। अब इसे छान लेती हूँ, छान के आम को अलग कर लेती हूँ पानी से। और इसका जो बचा हुआ पानी है, इसे आप ठंडा करके इसमें थोड़ा काला नमक, थोड़ा चीनी डाल के आप चाहें तो आम के शरबत के जैसे इसे ले सकते हैं। बहुत ही चटपटा लगेगा। 1-2 आइस का टुकड़ा इसमें डाल के इसका शरबत बना के आप पी लीजिएगा, नहीं तो आप पीना नहीं चाहते तो फेंक दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चढ़ा लेती हूँ वापस से पैन, और पैन में डाल देती हूँ आम जो अभी
उबाल के रखी थी, अभी चूल्हा ऑन नहीं की हूँ, चूल्हा हमारा बंद ही है, और इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें ही डाल देती हूँ एक कटोरी चीनी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आम देखिए और हमारा चीनी देखिए, आप ज़्यादा बनाएंगे तो चीनी आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे गुड़ में भी बना सकते हैं, तो आधा चीनी आधा गुड़ आप डाल दीजिए, और गुड़ या चीनी दोनों में से आप कुछ नहीं खाना पसंद करते हैं, नहीं खाते हैं कोई कारणवश, तो आप क्या कीजिएगा मिश्री इसमें डाल दीजिएगा पीस के। मिश्री जो आता है ना ढेला वाला, ताल मिश्री जिसे बोलते हैं, उस मिश्री को आप लेके और मिक्सर जार में उसका पाउडर बना के आप डाल सकते हैं, उससे भी आपका लौंजी बहुत ही हेल्दी टेस्टी बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स अभी ये गर्म ही है आम, तो इस तरह से पहले इसे घुला लेती हूँ, उसके बाद में चूल्हे को जलाऊंगी। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, चीनी थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी चूल्हे को जला लेती हूँ और इसे धीरे धीरे से कम आँच में पकाऊंगी, जिससे कि आम के अंदर तक इसका चीनी का जो मीठापन है अच्छे से चले जाए और आम का एक एक टुकड़ा रसीला हो जाए, जूसी हो जाए, इसका खट्टापन थोड़ा सा कम हो। तो इसी तरह से इसे पकाऊंगी और इसमें ही डाल दूंगी थोड़ा सा काला नमक। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स जितना जितना मैं डाल रही हूँ, तो अपना आम के अनुसार मैं डाल रही हूँ जितना का बना रही हूँ। आप ज़्यादा बनाएंगे तो हर एक चीज़ को ज़्यादा करके डाल दीजिएगा। अब इसका कोई नाप तोल तो होता नहीं है, बहुत कोई ज़्यादा बनाते हैं बहुत कोई कम बनाते हैं। और ये डाल दी हूँ थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक मैं डाल दी हूँ। इसमें आप चाहें तो थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं चटपटा बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स चीनी हमारा हल्का हल्का सा गलना शुरू हो गया है और इसे कम आंच पे ही पकाना है। अब डाल देती हूँ इसमें मसाला, जो कि मसाला अभी भून के आपको दिखाई थी। तो एक चम्मच में मसाला डाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मसाला यदि ज़्यादा हो जाता है आपको बनाने के बाद, मसाला कूटने के बाद तो ज़्यादा हो जाता है, तो आप किसी डब्बे में उसे रख लीजिए, दोबारा आप बना रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। पनीर भी बना रहे हैं कढ़ाई पनीर, तो उसमें भी मसाला भून के पड़ता है फ्रेंड्स, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और कम मसाला, बहुत ज़्यादा कम मसाला तो मिक्सर जार में पीसता भी नहीं है, तो आप अपने पसंद से इस लौंजी में मसाला डाल लीजिएगा। तो मैं इसमें मसाला डाल दी हूँ और मसाला कुछ ऐसा नहीं है, सारा मसाला खुशबू देने वाला ही है, तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। अब इसमें लगा दी हूँ ढक्कन, ढक्कन लगा के आम को और सॉफ्ट होने देती हूँ और चीनी का जो इसमें रस है वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए, इतना देर तक पकाऊँगी इसे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इसमें चीनी का, जैसे जैसे चीनी मेल्ट हुआ है इसमें एकदम ग्रेवी सा बन गया है। तो इसे पूरा सुखाना नहीं है, यही तो इस लौंजी का खाने का मज़ा देता है। इसका जो रस रहता है खट्टा मीठा सा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए कितना अच्छा से ये पारदर्शी हो गया है आम, एकदम शीशा के जैसा चमक रहा है। तो इतना ही आपको पकाना है। देखिए फ्रेंड्स अब इसे इस तरीके से आप चेक कर लें, इसका जो रस है वो चिपचिपा सा हो गया है, तो आप समझ लें कि ये बनके तैयार है। तो अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे निकाल लूँगी और इसे ठंडा करके आप किसी भी कांच के बर्तन में रख के और इसे स्टोर कर सकते हैं और खा सकते हैं। इसे रोटी पूरी पराठा दाल चावल किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा आम का लौंजी बनके तैयार है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। Thank you.